अस्सलामुअलैकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप सब ठीक होंगे आपकी दुआओं के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन मज़े में हूँ जी। जिस चीज़ का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था और दो महीने मैंने वेट किया, आखिरकार दो महीने बाद मेरी जो एडिसन की पिन थी वो आ गई और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई है। तो कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आप दोस्तों की इतनी मेरे साथ मोहब्बत थी तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अभी तक इसको मैंने ओपन नहीं किया, इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें इस लेटर में है क्या। इसमें जनाब और तो कुछ नहीं है, ये लेटर है जी। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आपको गलत तरीके से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मुझे ख़ुद पे यकीन था कि मैं अपना काम इतने अच्छे तरीके से करूँ कि देखने वाले खुद सब्सक्राइब करें। तो दोबारा से थैंक यू सो मच, आप दोस्तों की मोहब्बत की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं भी इस टाइम हूँ डेरा गाजी खान में। यहाँ पर हर साल सालाना फेस्टिवल होता है, एनिमल फेस्टिवल। एनिमल्स के साथ साथ यहाँ पे मेला भी होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अलावा ज़्यादातर यहाँ पे कैमल होते हैं, कैमल और हॉर्स यहाँ पे होते हैं। यहाँ पे लोग बेचते भी हैं, लेते भी हैं। तो ये छोटे छोटे से बैठे हुए थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो अभी आपको दिखाता हूँ मेला कैसा है यहाँ पे। तो आते मैं अपनी अम्मा नाला। अच्छा जी, उसने खुद जवाब दे दिया कि मैं अपनी अम्मी के साथ हूँ, ऐसे नहीं मिलूँगा। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। इसको भाईजान ने गहने पहनाए हुए हैं, जो कि अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आपको दिखाऊंगा कभी मेरी नज़र में आ गए तो। ये इसकी नीचे पायल इसने पहनी हुई है। वैसे मुझे पसंद है, लेकिन आई थिंक प्राइस बहुत ज़्यादा होगी। जब मैंने लेना नहीं है तो मैं इसकी प्राइस नहीं पूछूंगा। और सब भाई अपने जानवरों को बहुत ज़्यादा इनकी हिफाजत करते हैं, जैसे कि वो भाई उसको साफ कर रहे हैं। जैसे अपने बच्चों की देखभाल की जाती है, ऐसे ही वो घोड़ों से प्यार करते हैं। ये भाई जान घास लेके जा रहे हैं, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ, मुलगी दी बनो। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं हमसे, बुला रहे थे मुझे। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि कोई हमसे बात करे, हम उससे बात ना करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? कहाँ से हो? दीदी कहाँ से हो? माशाल्लाह, आपका नाम क्या है? आरिफ। आरिफ, ओके, थैंक यू। कुछ पूछ रहे थे आप? क्या बता? वीडियो क्या बना रहा हूँ? यूट्यूब का चैनल है फंजी टीवी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक हो? खैरियत? अच्छा अच्छा, उन्हें हाथ मसरूफ हैं, कहने वास्ते चाहिए ना हैं। अच्छा अच्छा, आपके घोड़े की वीडियो बनाओ। क्या चैनल है आपका? फंजी टीवी जी। भाई साहब कह रहे हैं कि जो हमारा हॉर्स है उसकी वीडियो बनाओ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा मुझे सख्त मिजाज लग रहा है, हाथ नहीं लगाने दे रहा। भाई जान कह रहे हैं कि इसका 4 लाख लग रहा है, लेकिन हम इतने पैसों में नहीं दे रहे। माशाल्लाह घोड़ा भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। केड़ी नस्ल है? अच्छा, वलैती नस्ल का घोड़ा है। माशाल्लाह वैसे लग भी रहा है। इसका नाम रखा हुआ है? परदेसी। ओ जी, भाई जान ने जी इसका नाम भी रखा हुआ है परदेसी। तो चंगा ना है, ठीक है, बिल्कुल अल्लाह हाफिज। वो सामने मेला लगा हुआ है, लोगों से गपशप हो रही है। तो ये रोटियां लग रही हैं जी होटल में। अच्छा, हाँ, इनका नाम क्या है? कालू। कालू, हाँ, तनूरी। अच्छा, कालू तनूरी, सही है। अंधेरा हो चुका है, ये मुझे भी दिल करता है इसके ऊपर मैं भी जंप लगाऊं। क्या हाल है?
ये है जी मौत का कुआं। ये जी मौत का कुआं इसे बोलते हैं, और इसमें ये बाइक और गाड़ी चलाते हैं। को काफ़ी लेट है तो ज़्यादा देर में यहाँ पे इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने आगे की तरफ जाना है। ये जी चिड़ियाघर है, बचपन में शायद काफ़ी दोस्तों ने देखा होगा, जलपरी जो अक्सर हम इंग्लिश मूवीज में देखते हैं वो जलपरी है, वो सांप है, इसके ऊपर लड़की का चेहरा है और वो शेर है और उसका भी ऊपर लड़की का चेहरा है। स्टॉल लगाया हुआ है जिसके पीछे उन्होंने बैकग्राउंड दिया हो। जब दो दोस्त, ये दोनों दोस्त हैं तो ये मेले पे आए हुए हैं तो ये मेमोरी के लिए यहाँ पे फोटो सेशन करवाते हैं, यहाँ से पिक्चर अर्जेंट बनवा के जाते हैं और उनके पास वो रहती है कि हम मेले पे गए थे। तो ये सीन होता है, इस स्टाइल में आप बैकग्राउंड चेंज करवा सकते हैं और ये भाई फौरन से उसको एडिट करके प्रिंट निकाल के देते हैं। और ये मेरे ख्याल में शीशे की फ्रेम्स भी होती हैं, इसमें भी आप सेट करवा सकते हैं। कितने किलो का है? 150। तो इसके ऊपर ज़ोर आजमाई होती है दोस्तों की, आप सब दोस्त हैं, वो आपका फ्रेंड है, तो ज़ोर आजमाई होती है कि कौन बंदा उठा सकता है। तो भाई जान इसको उठा रहे हैं, ऊपर। हाँ जी यार, आप उसके 200 ताली नहीं बजा रहे हो तो कैसे हो? तो यहाँ से फिर मैं अभी आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो भाई जान ने मुझे बुलाया कि हमारे साथ बैठें चाय पिएं, तो उनके खलूस को मैंने नहीं ठुकरा, रहे थे कि चाय पिएं बाद में वीडियो बना रहे, मैंने बोला नहीं वीडियो में ही दिखाना है कि आपका खलूस कितना ज़्यादा है। और मज़े की बात, जो दोस्त मेरे सिंध से हैं उनके लिए ये भाई सरप्राइज होंगे, और ये भी सिंधी भाई हैं, सिंधी और सरायकी मिलती जुलती है, अद्धा सरायकी में भी भाई को बोलते हैं और सिंधी में भी अद्धा भाई को बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यार का लफ्ज़ होता है। जैसे कि मैं गुजर रहा था उन्होंने मुझे प्यार से बुलाया। खलूस वाले लोग होते हैं, सादे लोग होते हैं, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ, उन्होंने मुझे फिर भी इन्वाइट किया कि आप हमारे साथ एक कप चाय पी के जाएँ, तो वो खुशी थे तो नल मिलते। तो कुछ मैंने आपको दिखाया जो बचपन की चीज़ें थी, मेले पे हम भी आते थे, मौत का कुआं था, जैसे कि वो वेट होते हैं दोस्त आपस में शर्त लगा के वो वज़न वाले वेट उठाते हैं, ये सब चीज़ें बचपन के, चिड़ियाघर हो गया। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ नासिर।